सूरत सहित गुजरात शहरों में बढ़ रहे कोरोना के केस को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने फिर से एहतियात के कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 8 मार्च को सूरत महानगर पालिका द्वारा कोरोना संक्रमण एवं वैक्सीनेशन के संदर्भ में फोस्टा एवं मार्केट पदाधिकारियों के साथ मीटिंग रखी गई थी, जिसके अनुसार मनपा की ओर से व्यापारियों को दिए गए निम्न दिशा निर्देशों की अनिवार्य तौर से पालन करना होगा। सभी व्यापारी भाइयों एवं स्टाफ कर्मचारियों को मार्केट में मास्क लगाना अनिवार्य है। बिना मास्क मार्केट में प्रवेश वर्जित रहेगा। मार्केट से सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करना अनिवार्य है। मार्केट में 60 वर्ष से अधिक व्यापारी स्टाफ कर्मचारी को शनिवार तक वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के द्वारा की जा सकती है। सोमवार तक मार्केट आने से पहले सभी को वैक्सीन लेना अनिवार्य है। मार्केट में 45 से 59 वर्ष के किसी भी व्यापारी स्टाफ कर्मचारी को यदि हार्ट, लीवर, डायबिटीज, किडनी, कैंसर इत्यादि बीमारी है तो उन्हें वैक्सीन अवश्य लगवाना है। रिंग रोड कपड़ा मार्केट में जगह जगह कोविड टेस्ट के लिए कैंप लगाए गए हैं, जिसमें व्यापारी स्टाफ कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा कोविड टेस्ट करवाएं। बाहर गांव से आ रहे व्यापारी कर्मचारी मजदूरों को कोविड टेस्ट कराकर ही काम पर आना है।